जय राम जी साहब, जय राम जी। यू कहीं कर अंकुरण परीक्षण कर रहे हैं सोयाबीन को, अनकर अपन 100 दाना गिन के और टाट में लपेट के रख देंगे। जो हर साल करता है, 3-4 साल से कर रहे हैं, कभी नहीं किया है। तो आपके सोयाबीन बगड़ी हुआ कोई कोई साल? बगड़ जाने वाले, पैदावार कम होती। अब जैसे अगले साल मारे 60 दाना से कम हो गया था, तो अपने कहीं वो जो सोयाबीन थी उन्हें बेच दी बाजार में और दूसरी सोयाबीन लग के हो रही, तो अपने तो एक दाना ही बिगड़ी। दाना डालते अपन कहीं 100 दाना गिन के डालेंगे जैसे सोयाबीन है और वो टाट है, तो अपन उनमें से कहीं करेंगे अंकुरण परीक्षण करना अपन जमें से अच्छे अच्छे मजबूत दाना है, जैसे अपन ने साफ कर ली सोयाबीन है और ये साफ सोयाबीन है तो अपन ऐसा गिने जाना 100 दाना गिनना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 और ये 100 दाना, तो इनको अपन ऐसे लाइन से ना स्टार्ट में ये जमा देंगे ऐसे ऐसे ऐसा अपन ने आना ये लाइन से ऐसे जमाते जाएंगे, यानी हिसाब से एक एक दानों करके ऐसा अपन ने गिन गिन के ना आने हिसाब से लाइन बना देंगे इनकी। एक एक इंच की दूरी पर दाना हाँ। रख रहा अब सारा सब उगता है भाई। अब मान लो इनमें से मान लो 100 दाना अपन डाल रहे हैं, अगर 80 दाना उगाया तो अपना बीज बहुत बढ़िया है, भले 2 किलो का मोर होने, मान लो अपन सोयाबीन 95-60 अगर 22 किलो हो रहे हैं और 80 दाना भी अपना अगर उग गया तो अपन भले 20 किलो और दो, और अगर 70 भी उग गया तो 70 दाना जैसा अपन 100 डाल रहे हैं तो 70 भी अगर उग गया तो अपन 21 किलो डाल दो, और 60 से अगर कम उगे तो उन्हें सोयाबीन जैसा मैंने अगले साल बेच दी थी ऐसा बेच के और वापस दूसरा बीज खरीद लो, क्योंकि 60 से कम उगेगा तो सोयाबीन खराब हो जाएगा। अपन टाट ने अपन टाट पहले गिलो कर ली, अच्छा, और गिलो करके लाइन तो मैं एक एक लाइन में जैसे 20-20 दाना है अपन लाइन में अपन कहीं करेंगे जैसे टाट है अपन ये लपेट दियो और फिर आने यू लपेट दियो, अब पूरा कहीं होगी नमी होगी हम पर्याप्त, अभी दाना है 2-3 दिन बाद उगागा। अब अगर उनमें से जैसे दाना उगेगा मान लो 60 दाना हो गया तो अपन कहीं सोयाबीन 25 किलो और देंगे, और अगर 60 से बढ़ता जाएगा तो ऐसे 20 दर घटा जाएगा 25 की 22 ले आएंगे, और 80 दाना हो गया तो 20 किलो हो रहेगा, और अगर 90 दाना हो गया तो और 18 किलो हो रहेगा अपन पंचन अनुसार, अगर 60 से कम उगेगा तो फिर अपन कहीं करेंगे सोयाबीन बीज बदल देंगे, उन्हें बाजार में बेचकर दूसरों भी दूसरों ले खरीद लेंगे, तो अपने खेत तो पड़त नहीं रहे, हर साल खे का पड़त रहे साहब, कोई एक अंकुरण परीक्षण करवो जरूरी है। हाँ यार हमारा पोर कैसे ही मतलब नहीं कम बीज हुए हो तो ऐसे मालूम पड़ जाते पूरा नहीं कर लेते आनी साहब, तो मैंने अगले साल हमारा 55 का आसपास अंकुरण परीक्षण आई तो मैंने सोयाबीन ने पीपले जाके बेच दी और दूसरी सोयाबीन लग के फिर उनको अंकुरण परीक्षण करो तो उनको 80 आई तो उन्हें अपन ने हो रही अनली मारा खेत में सोयाबीन नहीं बिगड़ी, आपने नहीं करी तो अगले साल अंकुरण तो करे नहीं करो नहीं वजह से आपके अगले साल छाप खेत पड़त रहेगी तो डबल हो रही आपने, आपको लग कह रहे हम एक मुट्ठी सोयाबीन लग रही थी हम दाना गिन के अंकुरण परीक्षण कर लो आने हिसाब से आप भी आपके घर जाके और आने कर दियो, अपन यहाँ से कहीं करेंगे नहीं वापस टाट जो कंप्लीट कर लो अपन ने आने उठा के जहाँ अपने फंडेरी रहे पानी की उनके पास रख देंगे और रोज सुबह शाम अपने घर का कोई भी कह देंगे आप ही कोई भी अपन पानी डालते रहो सुबह शाम जो टाट गिलो रहे और हमें नमी बनी रहे, तो 3 दिन के बाद अपन अंकुरण परीक्षण को पता चल जाएगा। मिट्टी की तो जरूरत ही नहीं, कहीं मिट्टी की नमी रहे मतलब पर्याप्त मात्रा में कहीं मिट्टी की जरूरत है, जैसे अब अपन आने ऐसा उठा के ले चलेंगे जहाँ अपने फरेंडी है अपन गाँव में जो बोला ना उन्हें फरेंडी के ले चल के और आने फरेंडी के पाछे जहाँ अपन जहाँ गिलो बने हो रहा है हमेशा ये अपन ने आने आने हिसाब से रख दियो और अपन सुबह शाम आने हिसाब से अनमें यो पानी है तो यूँ हाथ में ले लेंगे और यूँ पानी डाल लेंगे तो यह नमी हमें बनी रहेगी, 2-3 दिन में अपना अंकुरण परीक्षण को मिल जाओ, 3 दिन के बाद खोल के और दाना गिन लें कतरा सड़िया कतरा हो गया तो अपना पता चल जाएगा तो बीज कतरो अच्छो है और हिसाब से अपन बीज और अगर 60 से कम उगे तो आप बीज बदल लीजिए ऐसा कर लीजिए आप भी जैसे अपन कर रहे हैं।
आप बता दी और आप अगर मान लो कर दिक्कत आप गर्म हो जाओ हाँ, अपन देखी ना होगा बिल्कुल मतलब था एक बार फिर बता दू आप टाट टिकट तो कर लीजिए और सोयाबीन कर लीजिए मैं आ जाऊँ आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा तो आप सभी करो मालूम पड़ जाएंगे सोयाबीन ऐसा है कि नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें अच्छे रहे वो नहीं मतलब बिल्कुल मैं आऊंगा आपके और आप बुला लीजिए मारा तो अपन आके करवा देना मालूम नहीं है वहाँ फिर तो अपन दर साल ये दिक्कत नहीं आनी सोयाबीन एक बार फिर मैं आप बना आऊंगा आप बीज उपचार करो ना अंकुरण अंकुरण परीक्षण करो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपके बीज को पहले पता चल जाए आप बाबा से 15 दिन पहले ही उन्होंने अपना बीज कतरो सही है कतरो गलत है जय राम जी साहब जय राम चला एक बार और राजू साहब बिल्कुल बिल्कुल।